गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, पहले भाग में हम हड़प्पा संस्कृति जैसे नगरों का परिचय कर चुके हैं और आज भी हम उसी अध्याय का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, महापाषाण किसे कहते हैं, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थे, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र क्या बताते हैं हमें, कंकालों के अध्ययन, चरक संहिता, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे और अन्यत्र में लेखन कला, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, खामोश प्रहरी का मतलब होता है कि जो चीज़ ऐसी होती है जो अभी तो नहीं है लेकिन उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये खामोश प्रहरी का मतलब होता है जो समाधि होती है या कुछ कब्रस्तान होते हैं, इससे भी हमको कुछ जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उस ज़माने में कोई लेखन कला मौजूद नहीं थी, विकसित नहीं थी, और इसीलिए पुरातत्वविद या अन्य विद्वानों को उस तत्कालीन परिस्थिति को जानने के लिए हमको केवल ऐसे ही साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ एक पूरा महापाषाण दिया गया है, ये ताबूत है जिसमें एक डेड बॉडी को जिस यहाँ रखा जाता था, और ये शवाधान, ताबूत शवाधान है ये, ठीक है। और यहाँ सिस्ट में एक पोर्ट होल दिखाया गया, ये पोर्ट होल दिख रहा है आपको, ठीक है, जो पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। तो उस जमाने में इस प्रकार की उनकी कब्रें होती थी। महापाषाण किसे कहेंगे हम, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब बड़ा पत्थर, तो ये शिलाखंड महापाषाण नाम से भी जाने जाते हैं। और ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने से मतलब जैसे लाइन में या व्यवस्थित करके, जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं सर्कल, इसमें देखिए कितना, मतलब ये ऐसा चारों तरफ आयताकार दिख रहा है, बाद में ये बाजू में सर्कल नज़र आ रहा है। और ये महापाषाण की जो कब्रें बनाने की जो प्रथा है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और यह प्रथा कहाँ का प्रचलित थी, इनके भी स्थान देखिए, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत, कश्मीर में ये प्रथा प्रचलित थी। और ये महापाषाण जमीन के ऊपर तो होते थे लेकिन कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी पाए गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को दफनाया जाता था और इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें जमीन के भीतर भी नज़र आती है। और कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजा हुए स्थित पत्थर भी मिलते हैं, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पत्थर ऐसे गोलाकार दिखते हैं तो इसी प्रकार के पत्थर भी गोलाकार ऐसे सजाए हुए मिलते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पत्थर है, ऐसे पत्थर है, और ये पत्थर मतलब, और इसके बीच में एक कोई तो डेड बॉडी या शव यहाँ दफनाया गया है, ये ऐसे प्रमाण होते हैं। और कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है, मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर एक ही जगह पर लंबा ऐसा खड़ा मिलता है, और ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो जहाँ मतलब ऊपर एक लंबा पत्थर होता है जो इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि यहाँ भी कुछ शव दफनाए गए हैं। तो महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं, जैसे कि गड्ढे खोदना है, शिलाखंडों को ढोकर लाना है, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए व्यक्ति को दफनाना, इस प्रकार के काम लोगों को करना पड़ता है जो महापाषाण निर्माण करते हैं। और इन सब कब्रों में कुछ समानताएँ भी नज़र आती है, जो भी कब्रें प्राप्त होती है। तो पहली बात है कि यहाँ मृतकों को काले, लाल, मतलब जिसको हम ब्लैक एंड रेड वेयर, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी रस्म होती थी या उनकी कुछ प्रथा परंपरा या रीति रिवाज या उनका विश्वास होता था।
इनके साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। अभी ये चीज़ें उनके साथ क्यों होते होंगे इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई किसान है या कोई शिकारी है तो ये लोहे की औजार से बने हुए किसान के कुछ औजार भी उसके साथ दफनाया जाता था। शिकारी है तो उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार भी उसके साथ दफनाए गए थे। अगर वो घोड़ा चलाने वाला था, घोड़े का मालिक है, तो घोड़े की मृत्यु के बाद भी अपने मालिक के साथ उसको भी दफनाया गया होगा, ठीक है। और इस तरह से कुछ सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी, मतलब कि जो उस ज़माने में उनको कुछ आभूषण पहनने का शौक था, तो इसीलिए उनके शवों के साथ इस प्रकार की चीज़ें उनको मिलती थी। जैसे मतलब और अन्य कुछ चीज़ें भी मिली है, जैसे कि कुलाड़ियाँ हैं, कटार है, जैसे मतलब जिसको सूरा बोलते हैं, और घोड़े के लिए जो सामान होते हैं वो भी चीज़ें इन शवों के साथ इन कब्रिस्तानों में मिले हैं। और पुरातत्वविद मानते हैं कि मतलब अभी हम यहाँ देखेंगे कि अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि कौन व्यक्ति पुरुष था, कौन व्यक्ति स्त्री थे, ठीक है, और उनकी सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की होंगी हो सकती है, ये भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ जो पाई गई चीज़ें हैं वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी मरा हुआ व्यक्ति है तो उसके साथ ही उसकी चीज़ें दफनाई जाती थी, वो तो एक प्रथा परम्परा थी। और कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। इससे पता चलता है कि जो अमीरी और गरीबी यहाँ एक सामाजिक परिस्थिति भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक ब्रह्मगिरी है और यहाँ ब्रह्मगिरी पर में यह एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? जिसके पास सोने के मनके पाए गए वो अमीर हो सकता है और जिसके पास केवल मिट्टी के बर्तन पाए गए वो गरीब हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक परिस्थिति भी तत्कालीन हम समझ सकते हैं। और यह दफनाए गए लोगों की जो सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाता है, क्योंकि ये अमीर है, ये गरीब है, तो ये सामाजिक परिस्थिति में भिन्नता हो गई। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। अनुयायी मतलब उनके विचारों का पालन करने वाले या उनके आज्ञा का पालन करने वाले, इस प्रकार के लोग होते थे। तो इस प्रकार से हम पुरातत्वविद भी ऐसा अंदाज लगाते हैं कि उस जमाने में इस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति रही होंगी। क्वेश्चन, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? हाँ, हो सकता है कि इसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, एक ही महापाषाण में, एक ही कब्रस्तान में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। अभी ये दर्शाता है शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया होगा, और बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, जो यहाँ पोर्ट होल दिखाया गया है, इस रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो इस प्रकार से दफनाने की जो प्रक्रिया होती थी वो चलती थी। अभी हम परिचय कर रहे हैं इनाम गांव। ये इनाम गांव महाराष्ट्र में है और यह भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे एक गांव है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ जो वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। गड्ढे में जो दफनाने के लिए वो गड्ढा बनाया जाता था और वहाँ उनको दफनाया जाता था। देखिए, उनकी कुछ प्रक्रिया होती थी, उनके कुछ रीति रिवाज होते होंगे, तो इसीलिए वो इसी प्रकार के शवों को दफनाते, जैसे कि उनका सिर उत्तर की ओर होता था पहली बार, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। घर के अंदर ही उनके साथ बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। और एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो इस प्रकार के कुछ सबूत इनाम गांव यहाँ मिले हैं। और बस्ती के बीच में बसा यह गांव में सबसे बड़ा था। अगर उनमें से अगर देखेंगे उस गांव में, तो बड़े घरों में से ये घर सबसे बड़ा था। और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, मतलब बहुत बड़ा घर था। तो हो सक और शव के पैर मुड़े हुए थे, इसका मतलब हम लगा सकते हैं कि ये किसी अमीर आदमी की कब्र है और उसका घर भी बड़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र यहाँ पाई गई है।
या हम देख रहे हैं कि इनाम गांव महाराष्ट्र में नजर आ रहा है या ठीक है। और यहाँ भी कुछ हम समझ रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तिथि है, जैसे कि वेदों की रचना का प्रारंभ काल है जो लगभग 3500 साल पहले हुआ था, महापाषाणों के निर्माण की जो शुरुआत है वो लगभग 3000 साल पहले हुई थी, इनाम गांव में कृषकों का जो निवास है वो 3600 से लेकर 2700 साल पहले हुई थी, और चरक का जो कार्यकाल है जो जीवन काल है वो लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो चरक का भी हम यहाँ परिचय करने वाले हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों का, कंकालों के अध्ययन। जब हम कंकालों की बात कर रहे हैं यहाँ, तो कंकाल क्या है कि छोटे आकार के भी हो सकते हैं और बड़े आकार के भी हो सकते हैं, और जो छोटे आकार के हैं वो कंकाल बच्चे के हो सकते हैं, छोटे बच्चों के, और यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो वह कंकाल महिला का भी माना जाता है। लेकिन समस्या ये भी है कि पुरुष भी उस जमाने में आभूषण पहन देते हैं, और इसीलिए कंकाल का जो लिंग है पहचानने का बेहतर तरीका उसी उसकी हड्डियों की जाँच है। तो कैसे, देखिए, जैसे मतलब महिला है, महिला बच्चों को जन्म देती है, और इसीलिए उनका जो कटी प्रदेश है, मतलब है कमर का जो नीचे का हिस्सा है, कटी प्रदेश कमर का नीचा हिस्सा, ठीक है, या कुल्ला जिसको हम कुल्ला बोलते हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो कंकाल में हम यह समझ सकते हैं कि जो कंकाल का जो कटी प्रदेश बड़ा है तो वो महिला का है, और जो कटी प्रदेश छोटा है वो पुरुषों का है। और यह जो कयास है ये आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, क्योंकि आधुनिक अध्ययन में हम देखते हैं कि जो पुरुषों का जो कटी प्रदेश होता है वो छोटा होता है, लेकिन महिलाओं का जो कटी प्रदेश होता है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम कयास लगा सकते हैं कि पुरुषों का कंकाल कौन सा है, महिला का कंकाल कौन सा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, और लिंग के मतलब इस प्रकार से हम लिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चरक संहिता की हम बात कर रहे थे लोग, तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ था, और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नामक किताब भी लिखी है। चरक संहिता उनकी किताब है, और उन्होंने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है ऐसा कहा है। लेकिन आधुनिक शरीर रचना की अगर बात करेंगे तो 206 हड्डियां होती है, ये हम सभी को मालूम है, विज्ञान में हम पढ़ते हैं। और संभवतः ये भी हो सकता है कि जो चरक ने जिस प्रकार से गिनती की है उसमें दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी उन्होंने जोड़कर ये संख्या बताई होंगी, और इसीलिए उन्होंने 360 बताई है। लेकिन आज के ज़माने में सिर्फ हड्डियों को अगर काउंट गिनते हैं तो वो 206 ही हड्डियाँ होती है। इनाम गांव के लोगों के काम व्यवसाय क्या थे, तो यहाँ जिस प्रकार से अवशेष मिले, जिस प्रकार से प्रमाण मिले हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग खेती करते होंगे, क्योंकि यहाँ गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इनके बीज मिले हैं, और वो पशुपालन भी करते होंगे, शिकार भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ कई जानवरों की हड्डियाँ मिली है, कई हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, इसका मतलब वो काटते होंगे, वो खाते भी होंगे, ठीक है। और साथ साथ में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई है, इसका मतलब वो लोग इनको पालन भी करते होंगे, इनका शिकार भी करते होंगे, और कुछ लोग संग्रहण भी करते होते हैं, जैसे कि मतलब बेर है, आंवला है, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो उनके ये व्यवसाय हो गए, खेती करना, पशुपालन, शिकार करना, संग्रहण करना, ये इनाम गाँव के लोगों के व्यवसाय होते थे। अन्यत्र की हम बात करें, जिस समय हमारे देश में इस प्रकार की संस्कृति अस्तित्व में थे, उसी समय दुनिया के कई हिस्से में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अपने पड़ोसी देश चीन का थोड़ा सा परिचय करते हैं। तो ये लेखन कला की जब हम बात करें तो लगभग 3500 साल पहले चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं, और उस जमाने में चीन में इस प्रकार से कुछ प्रथा थी, जैसे कि जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था, और इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये भविष्य बताती है, ऐसी मान्यता थी। और राजा लोग क्या करते थे कि लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जैसे क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को उसके बाद आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, और भविष्यवक्ता इन दरारों के आधार पर भविष्यवाणी करने की कोशिश भी करते थे। लेकिन ये भविष्यवाणी 100% सच्ची नहीं होती थी, कभी कभी वो असफल मतलब क्या गलत भी साबित हो सकती थी। और यहाँ के जो राजा लोग थे, जो चीन के राजा लोग थे, ये राजा लोग शहरों में रहते थे,
और उन्होंने बेशुमार मतलब बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लेकिन लोहे का इस्तेमाल करना ये लोग नहीं जानते थे। और ऋग्वेद के जो राजा है और इन राजाओं की अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही फर्क दिखाई देता है, क्योंकि ऋग्वेद काल के जो राजा थे वो महलों में नहीं रहते थे, ना ही उनके पास कोई सेना होती थी और ना ही उनकी कोई राजधानी होती थी और ना ही वो किसी से कर वसूल करते थे। लेकिन ये उनसे बहुत ही भिन्न है। तो इस प्रकार से जो चीन के जो राजा थे उसी वक्त और ऋग्वेद के जो राजा थे इनमें बहुत ही फर्क दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यही जो हड्डी है, हड्डी पर कुछ लिखा गया है और बाद में इसको गर्म किया गया है, मतलब जलाया गया है, और बाद में इसमें जो क्रैक आती है और इसी के आधार पर जो भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं वो भविष्यवाणी करते थे। जैसे कि हमने इसके पहले प्रश्न हमसे देखे थे, ये प्रश्न यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या बताती है किताबें और कब्रें इस अध्याय का लेखा जोखा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, और इसी के साथ हम रुकते हैं।